नकली पिस्तौल दिखाकर राह गिरोह से करते थे लूटपाट। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और नकली पिस्तौल के साथ तीन अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा में लूटपाट कर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल की टीम ने लावालौंग थाना क्षेत्र के टुनगुन रतनांग मुख्य पथ पर नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने की फिराक में जुटे तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मी सदर थाना क्षेत्र के कदली व बरैनी गांव के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से लूटे गए एक एंड्रॉयड फोन, लूटपाट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व एक नकली पिस्टल के अलावे एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मी सड़क पार कर रहे राहगीरों को नकली पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इसी की फिराक में वे लावालौंग के टुनगुन रतनांग मुख्य पथ पर जुटे हुए थे, जहां से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा के लिए जेल भेज दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के टुनगुन गांव से जो रतनांग जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग पर कुछ लड़के हथियार का भय दिखाकर आने जाने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश प्राप्त हुआ था एवं उनके आदेशानुसार तत्काल एक टीम उस जगह पर घटनास्थल पर भेजी गई थी। घटनास्थल पर हमारी टीम के तत्परता एवं वहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से खदेड़कर तीनों लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से एक नकली पिस्टल, साथ ही साथ उनके पास से दो मोबाइल एवं एक टू व्हीलर गाड़ी जब्त किया गया है तथा इन तीनों के खिलाफ में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।